जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज कुलदीप सिंह। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। एक महीना हम लोगों के पास अब जो है बचा है फॉर आर प्रीलिम्स, एचएस प्रीलिम्स, एंड हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं रिवीजन के बारे में। सो रिवीजन दैट वी आर डूइंग इज थ्रू कवरिंग ईच एंड एवरी कॉन्टिनेंट और इंपॉर्टेंट एरियाज को जो है मैं आपको मार्क करके दे रहा हूँ। सो ऑलरेडी वीडियोज में जो है मैंने नॉर्थ अमेरिका कवर कर लिया है, साउथ अमेरिका कवर कर लिया है, इंपॉर्टेंट एरियाज हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए हैं। आज एक छोटा कॉन्टिनेंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, दिस इज दी कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी, सो ऑस्ट्रेलिया हम लोग बात करेंगे। दिस इज दी अगेन, इफ आई हैव टू टॉक, दिस इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एंड दिस इज अगेन अ कॉन्टिनेंट विच इज डोमिनेटेड बाय अ सिंगल लैंडमार्क, सिंगल कंट्री आपको देखने मिलता है ऑस्ट्रेलिया। और इसके साथ में जो आपको बाकी जो आइलैंड नेशन देखने में मिलते हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड है, देन सोलोमन आइलैंड्स है, किरीबाटी आइलैंड्स हैं, बहुत सारे ग्रुप छोटे मोटे आइलैंड्स देखने मिलते हैं, तो इनको हम लोग जो है माइक्रोनेशिया, मलनेशिया, पॉलिनेशिया में ऐड कर देते हैं। और इस सारे रीजन को हम लोग जो है वी डिनोटेड थ्रू ओशियानिया। ठीक है, सो आज हम ओशियानिया के बारे में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट एरियाज, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे ओशियानिया के ऊपर। एंड ऑलरेडी एचएस में क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे केप ल्यूइन के ऊपर क्वेश्चन पूछ चुके हैं, देन जो बकलैंड टेबल लैंड है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो है डार्क हॉर्स रहा है, पीछे से हमें क्वेश्चन देखने को मिले ही गाइस। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। एंड स्टार्ट करने से पहले, अगर आप टेस्ट सीरीज देख रहे हैं तो आप एचएस के प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज देख सकते हैं गाइस। लास्ट मिनट में टेस्ट सीरीज में जो आप एक्यूरेसी निकालेंगे, जो आप उसमें प्रैक्टिस करेंगे, वो आपको काफी हेल्प कर सकती है आपके पेपर में परफॉर्म करने के लिए। एंड जैसे कि आपको पता है कि अगर आप स्पेसिफिकली एचपी जीके के लिए सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, वन स्टॉप सोल्यूशन की बलोकरा के ऊपर नहीं जाना चाहते, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ के लाइक एचपी जीके बेटर वे में प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप होमकमिंग वीडियो को देख सकते हैं, होमकमिंग की सीरीज को देख सकते हैं, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट गाइस। चलिए, सो जैसे आपको पता है कि हम लोग मैप जो है एज इन सच मैप नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, बिकॉज मैप ड्रॉ करने में लग जाता है टाइम, ठीक है जी, एंड आपको सिखाना पड़ेगा, तो इसकी जगह हम लोग जो है डायरेक्टली अभी ले लेते हैं सीधा सीधा मैप। सो ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया का मैप है, और ये थोड़ा सा मैंने पॉलिटिकल मैप आपको यहाँ पे दिखाया है। नाउ एज फार एज ऑस्ट्रेलिया इज कंसर्न्ड, हाँ वन मोर थिंग बिफोर स्टार्टिंग, आई वॉन्ट ऑल्सो वॉन्ट यू पीपल टू हैव योर एटलेस विद यू, ठीक है। सो एटलेस में जो भी इंपॉर्टेंट मार्क मैं कर रहा हूँ वो आप साथ साथ में लेके करिए, बिकॉज एटलेस जो है इट इज गोइंग टू हेल्प यू गिव दैट ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग, आपको एक माइंड में जो है एक ऑप्टिकल मेमोरी बनाने में हेल्प करेगी गाइस, ठीक है जी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ओशियानिया, एंड मेजर जो इसमें पार्ट है दैट इज द कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जैसे मैंने बताया, अगेन डोमिनेटेड और कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल कंट्री, ठीक है जी। बहुत बड़ा लार्जेस्ट आइलैंड है, सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट विच इज डोमिनेटेड बाय वन कंट्री, एंड यू विल ऑल्सो ऑब्जर्व, वट वी ऑब्जर्व इन ऑस्ट्रेलिया इज दैट दिस इज अगेंस्ट लाइक जियोलॉजिकली अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ओल्ड यहाँ पे रॉक्स देखने को मिलती है, दो दो बिलियन साल पुरानी रॉक्स भी आपको देखने को मिलती है, तो बहुत ही स्टेबल लैंडमार्क आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। एंड इसके साथ में जो है हम लोगों को यहाँ पे यू विल फाइंड इसका हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो अगेन वन ऑफ द मोस्ट लेवल्ड आपको लैंड मासेज भी देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। सो ओवरऑल जैसे लाइक इफ आई हैव टू कंपेयर इट विद एशिया, है ना, तो एशिया में आपको जो हाईएस्ट पॉइंट है इट इज़ लाइक 8800 मीटर्स माउंट एवरेस्ट, एंड लोएस्ट पॉइंट जो है वो अराउंड 400 मीटर्स है, बट यहाँ पे हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट के बीच में इतना फर्क नहीं देखने को मिलता, ठीक है। सो दैट इज वाई ऑस्ट्रेलिया जो है इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट लेवलेस्ट और लेवल्ड कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। ओके, नाउ एज फार एज द ब्रॉड बाउंड्रीज आर कंसर्न, ठीक है, मैं आपको इसका पहले ब्रॉड बाउंड्रीज बता देता हूँ, थोड़ा पॉलिटिकल एस्पेक्ट बता देता हूँ, देन जो हम लोग बात करते हैं टूवर्ड्स द फिजिकल एस्पेक्ट, ठीक है जी। सो अगेन एज फार एज दिस कंट्री इज कंसर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है ये, इसको ऑलमोस्ट बीच से काटता है, एंड इसको जो है दो ऑलमोस्ट दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है, तो यहाँ पे जो है बहुत सिमिलर क्लाइमेट देखने को मिलते हैं जो हम लोग इंडिया में देखते हैं। सो ये आपका जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो गया। देन इसके बाद जो है अगेन इसका नदर्न मोस्ट पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट की मैं बात करूँ तो दिस इज़ केप यॉर्क, ठीक है जी। केप यॉर्क ये रीजन जो है आपका इसका नदर्न मोस्ट पॉइंट है, एंड इसका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड साउथ ईस्ट केप, ठीक है जी, साउथ ईस्ट केप बोलते हैं, विच इज इन तंस्पानिया। सो ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ मैं, केप यॉर्क एंड साउथ ईस्ट केप, ये इसका जो है नदर्न मोस्ट एंड सदर्न मोस्ट पॉइंट है। एंड इसके साथ में आपको जो है न्यूजीलैंड के आइलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया के साथ में आपको न्यूजीलैंड के आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, एंड देन देर इज यहाँ पे जो है आपको पॉलिनेशियन आइलैंड देखने को मिलेंगे, मलेशिया के आइलैंड देखने को मिलते हैं, माइक्रोनेशिया के आइलैंड देखने को मिलते हैं, इनको मैं जो है अभी आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ, ठीक है जी। सो एज फार एज थिंग्स आर कंसर्न,
ठीक है, अगर मैं इसकी वाटर बॉडीज़ हम लोग देख लें, ऊपर से नीचे तक वाटर बॉडीज़ देख लें, तो यहाँ पे आपको एक बेसिकली यहाँ पे आपको ईरानियन जावा एंड पाप न्यू गिनी का आइलैंड भी देखने को मिलता है, साथ में आपको सोलोमन आइलैंड देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको कुछ वाटर बॉडीज़ देखने को मिलती है, जैसे सबसे ऊपर यू विल फाइंड दिस इज़ बैंडा सी। ठीक है, यहाँ पे आपको बैंडा सी देखने को मिलेगा, नीचे जो है आपको इसके बीच में यू विल फाइंड दिस इज़ अराफुरा सी, बैंडा सी है, अराफुरा सी है, दिस इज़ गल्फ ऑफ कारपेंथीरिया गल्फ, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। देन इस साइड में जो है यू विल फाइंड नीचे की साइड में दिस इज़ द कोरल सी, बिकॉज यहाँ पे आपको क्वींसलैंड के साथ में यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिलता है। ठीक है जी, अपर साइड में चले जाएंगे, यहाँ पे सोलोमन आइलैंड के साथ में आपको सोलोमन सी देखने को मिलता है। ठीक है जी, सो ये कुछ बेसिकली सीज एंड वाटर बॉडीज हैं। ठीक है, इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको स्ट्रेट देखने को मिलता है, दिस इज कॉल्ड एज द टॉरिस स्ट्रेट। ठीक है जी, टॉरिस स्ट्रेट देखने को मिलता है, जो कि बेसिकली आपका गल्फ ऑफ कारपेथीरिया या अराफुरा सी जो है उसको सेपरेट करता है कोरल सी के साथ। ठीक है, नीचे की तरफ आ जाइए, देन दिस पर्टिकुलर एरिया इज तस्मान सी, ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी, एंड यहाँ पे जो है यू विल फाइंड दिस इज ऑल पैसिफिक ओशियन। ठीक है जी, दिस इज ऑल पैसिफिक ओशियन। ठीक है जी, देन नदर्न आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड, सदर्न आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड इसको जो है सेपरेट करता है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज द कुक स्ट्रेट, ये बोलते हैं कुक स्ट्रेट यहाँ पे। एंड देन तस्मानिया, जो तस्मानिया आपका जो टेरिटरी है ऑस्ट्रेलिया की, उसको मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे सेपरेट करता है, दिस इज कॉल्ड एज द बास स्ट्रेट। ठीक है जी, इसको हम लोग बोलते हैं बास स्ट्रेट। ओके, देन इसके अलावा आपको इस रीजन में यू विल फाइंड दिस इज कॉल्ड एज द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, बाइट बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको पिछली बार ही बोला था कि आपको मैंने आपको बताना है कि बे गल्फ एंड बाइट के बीच में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, सो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताओ बे गल्फ और बाइट के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, नीचे वाला रीजन जो है दिस इज ऑल सदर्न ओशियन। ओके, दिस इज ऑल सदर्न ओशियन ऑफ योर्स, सो ये वाला सारा रीजन हो गया। इस साइड में जो है दिस इज ऑल इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन वाला रीजन है आपका। ठीक है कि नहीं, इंडियन ओशियन वाला रीजन हो गया। एंड देन ऊपर जो है एक और आपको सी देखने को मिलता है, दिस इज तैमूर सी। ठीक है जी, सो ये आपको जो है कुछ वाटर बॉडीज़ देखने को मिलेंगी इन एंड अराउंड योर ऑस्ट्रेलियन रीजन। ठीक है जी, ओके, नाउ एज फार एज द ऑस्ट्रेलिया इज कंसर्न, इसको हम लोगों ने पॉलिटिकली, इफ़ यू सी इट पॉलिटिकली, हमने इसको जो है डिवाइड कर रखा है कुछ एरियाज में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मोस्ट ऑफ दिस रीजन इज़ द रीजन ऑफ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, देन अपर रीजन जो है दिस इज नदर्न टेरिटरी, लोअर रीजन इज सदर्न टेरिटरी, देन इज़ द टेरिटरी ऑफ क्वींसलैंड। ठीक है जी, देन आपको मिलता है न्यू साउथ वेल्स, देन आपका मिलता है विक्टोरिया, एंड देन इज़ द टेरिटरी ऑफ तस्मेनिया। ठीक है जी, तो ये इसके जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं, या जो आप प्रोविंसेस बोल सकते हो, प्रोविंसेस हैं, टेरिटरीज हैं जो डिवाइड कर रखी हैं ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी, एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ न्यूजीलैंड, दिस इज़ नदर्न आइलैंड, एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ सदर्न आइलैंड। नदर्न आइलैंड में जो है आपको इसकी कैपिटल देखने को मिलती है, दिस इज़ वेलिंगटन। ठीक है जी, वेलिंगटन देखने को मिलती है, एंड इसकी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सिटी भी देखने को मिलती है, दिस इज़ सिटी ऑफ ऑकलैंड। ठीक है जी, सदर्न साइड में जो है आपको इंपॉर्टेंट जो सिटी यहाँ पे देखने को मिलती है, दिस इज़ क्राइस्ट चर्च। ठीक है जी, क्राइस्ट चर्च पिछले कुछ दो तीन साल पहले न्यूज़ में भी था, बिकॉज यहाँ पे मास शूटिंग हुई थी, तो क्राइस्ट चर्च ये आपका रीजन हो गया। ठीक है जी, नाउ एज फार एज अदर थिंग्स आर कंसर्न, एज फार एज ऑस्ट्रेलिया इज कंसर्न, सो ऑस्ट्रेलिया देखिए अगेन मोस्ट ऑफ जो ऑस्ट्रेलिया है वो कोस्टल रीजन्स, या मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया में जो है वो कोस्टल रीजन्स में जाके बसी हुई है, बिकॉज अंदर का एरिया जो है अगेन कम्प्लीटली डेजर्ट है, और इट इज़ वेरी वेरी इनहॉस्पिटेबल, जिसे हम लोग आउट बैक रीजन भी बोल देते हैं, एंड मोस्ट ऑफ इट जैसे मैंने बताया इट इज़ इन द कोस्टल रीजन। ठीक है जी, जैसे अगर कुछ कोस्टल कंट्रीज़ के बारे में हम लोग बात करें, तो इनको हम लोग किस तरह से याद कर सकते हैं, इस तरह से इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो, बी एस सी एम ए पी एच डी। ठीक है जी, बी एस सी एम ए पी एच डी, सो बी से दिस इज़ योर ब्रिस्बेन, जो कि आपको क्वींसलैंड में देखने को मिलता है। ठीक है जी, सो ब्रिस्बेन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हियर, एंड देन उसके बाद न्यू साउथ वेल्स में दिस इज सिडनी, एंड द कैपिटल सिटी ऑफ कैनबरा। ठीक है जी, सिडनी एंड कैनबरा ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, इसके बाद आपको यहाँ पे विक्टोरिया में एक इंपॉर्टेंट सिटी देखने को मिलती है, दिस इज सिटी ऑफ मेलबर्न। ठीक है जी, सो बी फॉर ब्रिस्बेन, एस फॉर सिडनी, सी फॉर कैनबरा, एम इज फॉर मेलबर्न। ठीक है जी, ए इज फॉर द सिटी ऑफ एडिलेड, एडिलेड ये जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ए हो गया आपका। पी इज द सिटी ऑफ
पर्थ, ठीक है जी। एच इज द सिटी ऑफ, तास्मानिया में मिलती है, दिस इज होबार्ट। एंड एच डी जो है इट इज द सिटी ऑफ डार्विन, ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो आपको देखने को मिलेंगे एज फार एज ऑस्ट्रेलिया इज कंसर्न, एंड मोस्ट ऑफ जो पॉपुलेशन है वो आपको यहीं पे देखने को मिल जाती है गाइस, ठीक है जी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ या कुछ इंपॉर्टेंट रीजन भी देखने को मिलते हैं आपको, जैसे कि या केप यॉर्क में एक टाउन है, दिस इज वीपा। ये जो है अगेन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉक्साइट, बॉक्साइट यहाँ पे काफ़ी माइन किया जाता है। सिमिलरली यहाँ पे जो है दिस इज माउंट ईसा, ये जो रीजन है यहाँ पे अगेन कॉपर बहुत ज़्यादा माइन किया जाता है, ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया का कॉपर बहुत ज़्यादा माइन किया जाता है। देन कुछ रीजन जैसे कि ये आपका है कूल हार्डी रीजन है, कूल हार्डी एंड कालगुरली, ये जो है आपका रीजन है, ये रीजन्स में बेसिकली गोल्ड काफ़ी ज़्यादा माइन किया जाता है ऑस्ट्रेलिया का। देन नीचे जो है यहाँ पे दिस इज रम जंगल, यहाँ पे जो है अगेन बहुत ज़्यादा यूरेनियम माइन किया जाता है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है कि नहीं। देन उसके बाद यहाँ पे पिलबारा रीजन है, हैमर्सले रेंजेस में पिलबारा, यहाँ पे जो है क्या करते हैं आयरन ओर काफ़ी ज़्यादा माइन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे माइंस आर कॉल्ड एज आयरन ड्यूक माइंस, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे किम्बरले प्लेट्यू है, किम्बरले प्लेट्यू में हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा डायमंड माइनिंग देखते हैं, ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो नोन फॉर डायमंड माइनिंग, वो हम लोग यहाँ पे इन रीजन्स में देखते हैं। नाउ मोस्ट ऑफ दिस रीजन इज़ बेसिकली एक स्टेबल लैंडमास है और जेंटल स्लोप देखने को मिलती है। यहाँ पे बहुत ही कम नेचुरल हार्बर्स देखने को मिलते हैं, बहुत ही कम नेचुरल हार्बर्स है एक्सेप्ट फॉर दिस रीजन, एडलेड वाला रीजन है एंड आपका जो मेलबर्न वाला रीजन है, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा हार्बर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा मोस्ट ऑफ जो कंट्री है वहाँ पे आपको अच्छे हार्बर्स देखने को नहीं मिलेंगे गाइस, ओके। सो ये कुछ जो है पॉलिटिकल रीजन हो गया। अभी इसके साथ में आपको एक माइक्रोनेशिया मलनेशिया पॉलिनेशिया वाला रीजन बता देता हूँ, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिए जाते हैं कि कौन से एरियाज कहाँ पे लगते हैं आपके। नाउ एज फार एज दीज रीजन आर कंसर्न, ये देखो आप यहाँ पे देखोगे ऑस्ट्रेलिया के साथ में अलॉन्ग विद न्यूजीलैंड, ये रीजन जो है आपका न्यूजीलैंड के साथ में जो है टोंगा वाला रीजन है, तुलुबु वाला रीजन है, किरीबाटी आइलैंड्स हैं आपके, टोंगा वाला आइलैंड है, न्यूजीलैंड है आपके, कुक आइलैंड्स हैं, एंड देन ऊपर तक जो है हवाईयन आइलैंड्स, ये सारा रीजन जो है आपका क्या है, दिस इज़ द रीजन ऑफ पॉलिनेशिया, ठीक है जी। पॉलिनेशिया आइलैंड यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। देन मलिनेशिया आइलैंड जो है इट इंक्लूड्स आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया, सम आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है जी। बोर्नियो हो गया आपका, पापा न्यू गिनी वाला रीजन हो गया आपका, देन सोलोमन आइलैंड्स हैं, ठीक है जी, फिजी है, वेनेटू है, ये जो रीजन्स हैं ये आपके बनते हैं मलिनेशियन आइलैंड्स। एंड देन थर्ड जो आइलैंड ग्रुप है जो आपको ऊपर देखने मिलता है, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोनेशिया, विच इंक्लूड्स लाइक पलू, फेडरेशन स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, मार्शल आइलैंड्स, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऑल ऑफ देम आर दी आइलैंड्स ऑफ और दी एरिया ऑफ माइक्रोनेशिया, ठीक है जी। सो ये याद रखना है आपको माइक्रोनेशिया मलिनेशिया पॉलिनेशिया में कौन से आते हैं, क्योंकि कई बार पूछ सकते हैं कि जैसे टोंगा जो है इट इज़ पार्ट ऑफ वॉट, सिमिलरली किरीबाटी इज़ पार्ट ऑफ वॉट, सिमिलरली यू कैन से सोलोमन आइलैंड्स आर पार्ट ऑफ वॉट, इस तरह से थोड़ा बहुत आपको जो है यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है जी। सो दिस इज बेसिकली अवर ऑस्ट्रेलिया पॉलिटिकल, एंड अभी जो है हम लोग चलते हैं ऑस्ट्रेलिया फिजिकल के ऊपर, यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत देखते हैं, ठीक है। सो वाटर बॉडीज़ तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, वाटर बॉडीज़ के ऊपर अब नहीं जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट और कुछ इंपॉर्टेंट रीजन आपको देखने में मिलते हैं जो कि पूछे हुए हैं, विल टॉक अबाउट दैट, जैसे दिस इज केप ल्यून, ये यहाँ पे पूछा हुआ है, केप ल्यून है, ठीक है जी। केप साउथ ईस्ट में आपको बता चुका हूँ, एंड सिमिलरली मैंने आपको केप यॉर्क बता दिया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट केप हैं जो यहाँ पे मिलते हैं, केप दिस इज केप यॉर्क पेनिनसुला, ठीक है। नाउ एनीवेज चलिए हम लोग अंदर चलते हैं और थोड़ा फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द कंट्री जैसे मैंने बताया, ये जो है क्या है, इट इज़ अ वेस्टर्न साइड में आपको यहाँ पे प्लेट्यू देखने मिलता है, सेंट्रल साइड में आपको यहाँ पे प्लेन्स देखने मिलते हैं, और ईस्टर्न साइड में यहाँ पे आपको माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती हैं। तो हम लोग फटाफट से जो है पहले माउंटेन रेंज देख लेते हैं, ठीक है। ईस्टर्न साइड की माउंटेन रेंज केप यॉर्क पेनिनसुला से स्टार्ट होती है, गोज ऑल द वे टिल द सदर्न साइड, एंड इसको हम लोग जो है दिस इज कॉल्ड एज द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, पुराने टाइम में बने हुए हैं जब कन्वर्जेंस हुई थी, बट अभी जो है ये रेंजेस कंपैरेटिवली घिस गई हैं और अब इनकी ज़्यादा एलिवेशन देखने को मिलती नहीं, ठीक है जी। ओनली इन दी सदर्न साइड आपको इसकी एलिवेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पॉइंट भी आपको देखने को मिलता है, दिस इज माउंट कोस्क्यूस्को, ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड एज माउंट कोस्क्यूस्को, विच इज हैज़ एन एवरेज एलिवेशन ऑफ अराउंड लाइक 2200 meters के आसपास में, 2300-2200 meters के आसपास में देखने को मिलती है, ठीक है कि नहीं। ये सदर्न रीजन में आपको थोड़ा बहुत जो है एलिवेशन देखने को मिलता है, इस करके जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत स्नो भी पड़ती है, बिकॉज नीचे जो है टेम्परेट रीजन्स में लाइक सर्दियाँ ज़्यादा
ठंडी होती हैं, तो इस करके इन रीजन्स में आपको क्या मिलेगा, इसको हम लोग एक बारी ऑस्ट्रेलियन एल्प्स भी बोल देते हैं, ठीक है, देयर कॉल्ड एज ऑस्ट्रेलियन एल्प बिकॉज यहाँ पे स्नो पड़ जाती है, ठीक है कि नहीं। दिस इज बेसिकली योर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसके अलावा छुटपुट रेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे कि यू विल फाइंड, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, दिस इज बेसिकली योर हैमर्सले रेंज, ठीक है जी, हैमर्सले रेंजेस हैं ये आपकी बेसिकली। यहाँ पे मैंने पिलबारा माइंस बताई है आपको, यहाँ पे आयरन ओर काफ़ी ज़्यादा माइन किया जाता है। देन उसके बाद दो रेंजेस हैं आपकी, ऊपर मैकडोनल है, नीचे मस्ग्रेव रेंजेस हैं, मैकडोनल एंड मस्ग्रेव, ये रेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। इसी के बीच में आपको यहाँ पे एक रॉक स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है, दिस इज़ कॉल्ड एज एन आयर्स रॉक, ठीक है। सो अगेन कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताओ व्हाट इज एन आयर्स रॉक। इट इज़ अ टाइप ऑफ बेसिकली एन इंसलबर्ग, एक जो है इंसलबर्ग तरह का लैंडफॉर्म होता है, बट इसके बारे में आप लिख के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना व्हाट इज एन इंसलबर्ग एंड व्हाई आयर्स रॉक इज सो फेमस, ठीक है जी। सो आई होप ये हो गया आपका। तो ये ऊपर हैमर्सले रेंज होगी, मैकडोनल एंड मस्ग्रेव रेंजेस होगी, देन नीचे जो है आपको यू विल फाइंड विक्टोरिया डार्लिंग रेंजेस ऑन दिस कोस्ट, विक्टोरिया डार्लिंग रेंजेस आपको देखने को मिलती हैं। देन उसके बाद ऊपर जो है यू विल फाइंड यहाँ पे छोटी सी रेंज है कॉल्ड एज सेल्वान रेंजेस, एंड नीचे यहाँ पे यू विल फाइंड दिस इज दी फ्लिंडर्स रेंज, ठीक है जी, फ्लिंडर्स रेंज देखने को मिलती है, ठीक है जी। ये कुछ माउंटेन रेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिली, या छोटी छोटी हिल रेंजेस देखने को मिलती हैं। इसके अलावा मोस्ट ऑफ जो आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, दिस इज अ प्लेट्यू रीजन, प्लेट्यूज देख लेते हैं फटाफट कौन से हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट प्लेट्यू कौन से हैं। सो एज फार एज दिस होल रीजन इज कंसर्न, मोस्ट ऑफ दिस रीजन इज अ प्लेट्यू रीजन, ठीक है, सारा जो है ये प्लेट्यू रीजन है, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट ऑस्ट्रेलियन प्लेट्यू, दिस इज कॉल्ड एज वेस्ट ऑस्ट्रेलियन प्लेट्यू। ऊपर जो है आपको एक और प्लेट्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा, दिस इज कॉल्ड एज दी किम्बरले प्लेट्यू, ठीक है जी, किम्बरले प्लेट्यू, ये आपका बेसिकली डायमंड, जैसे मैंने बताया डायमंड काफ़ी माइन किए जाते हैं यहाँ पे। देन ऊपर जो है यहाँ पे यू विल फाइंड दिस इज अर्नहम लैंड, अर्नहम लैंड है, ठीक है, ये भी एक प्लेट्यू है। देन इसके बाद नीचे आ जाओगे, ये सारा जो है रीजन आपका प्लेट्यू रीजन है, दिस इज बार्कले या बार्कले टेबल लैंड, ये आपको बोलते हैं इसको, टेबल लैंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ प्लेट्यू। सिमिलरली यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के साथ में भी आपको यहाँ पे टेबल प्लेट्यू देखने मिलता है, दिस इज कॉल्ड एज बकलैंड, ठीक है जी, बकलैंड टेबल लैंड, पिछली बार क्वेश्चन भी इसके ऊपर आया हुआ है बकलैंड के ऊपर, ठीक है जी। तो ये कुछ प्लेट्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे एज फार एज प्लेट्यूज इज कंसर्न। देन रेस्ट ऑफ जो इनर एरिया है आपका ऑस्ट्रेलिया का, दिस इज ऑल काइंड ऑफ लो लाइंग एरिया, ठीक है जी, लो लाइंग एरिया है, नीचे वाला जो एरिया है सारा लो लाइंग एरिया है, ठीक है कि नहीं। इसमें नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसको नुलारबर प्लेन्स बोलते हैं, नुलारबर प्लेन्स, ठीक है, अगेन लाइफलेस प्लेन्स हैं बेसिकली, उजाड़ प्लेन्स हैं, यहाँ पे कुछ नहीं, मैदान इलाके देखने मिलेंगे, बट अगेन वेरी वेरी लेस वेजिटेशन, सो नुलारबर प्लेन्स बोलते हैं इनको। ये जो है दिस रीजन इज कॉल्ड एज द ग्रेट आर्टिशियन बेसिन, क्योंकि यहाँ पे इट इज़ अ स्ट्रक्चरली डिप्रेस्ड प्लेन्स, आसपास के जब भी बारिशें होती हैं यहाँ पे, तो बारिशों के कारण यहाँ पे पानी जो है नीचे रिस जाता है और यहाँ पे आर्टिशियन वेल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। एंड दिस रीजन इज कॉल्ड एज दी डाउन्स, डाउन्स इज बेसिकली द मोस्ट प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर, मोस्ट प्रोग्रेसिव रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज यहाँ पे आपको यू विल फाइंड डिटेम्परेट ग्रासलैंड टाइप ऑफ क्लाइमेट, और यहाँ पे जनरली जो है एग्रीकल्चर थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, ठीक है कि नहीं। डाउन्स बोलते हैं यहाँ पे इनको, ठीक है, सिमिलर जैसे यूएस में से प्रेरीज बोलते हैं, यूरोप में से स्टेपेज बोलते हैं, साउथ अमेरिका में से पैम्पास बोलते हैं, यहाँ पे इन्हें डाउन्स बोलते हैं, ठीक है जी। देन वेरी वेरी ब्यूटीफुल एरिया, दिस इज एरिया ऑफ तस्मेनिया, ठीक है जी, एंड तस्मेनिया जो है इट इज़ अगेन नोन फॉर दी हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन एंड नोन फॉर फ्लावरी फॉर प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स, एंड दैट्स वाइट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द गार्डन स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है कि नहीं। सिमिलरली माउंटेन्स में मैंने आपको यहाँ पे एक और, सिंस न्यूजीलैंड भी दिख रहा है तो न्यूजीलैंड में भी देख लेते, तो न्यूजीलैंड में भी माउंटेन रेंजेस हैं आपकी भाई, तो यहाँ पे इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज दी सदर्न एप्स, ठीक है जी, सदर्न एप्स है, जिसकी हाइएस्ट पीक जो है इट इज़ वॉट, इट इज़ माउंट कुक, माउंट कुक जो है इसकी हाइएस्ट पीक है यहाँ पर, अराउंड 3700 मीटर के आसपास की। ओके चलिए, नाउ एज फार एज रिवर्स आर कंसर्न,
व्हेन आई टॉक ऑफ रिवर, बट रिवर से पहले हम लोग फटाफट से यहाँ पे डेजर्ट देख लेते हैं. सो जैसे मैंने बताया कि दिस एरिया हैज़ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डेजर्ट. एज मैटर फैक्ट सारा इंटरनल ऑस्ट्रेलिया जो है इट इज़ पार्ट ऑफ डेजर्ट ओनली. सो यू विल फाइंड ऑल ऑफ दिस रीजन इज नथिंग बट अ डेजर्ट. ठीक है, जैसे हम वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट भी बोल देते हैं, बट इसका अलग अलग नाम दे रखे हैं. जैसे कि ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट नीचे वाले जिनको हम ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट बोल देते हैं, ऊपर वाले को हम लोग ग्रेट सैंडी डेजर्ट बोल देते हैं, उसके ऊपर वाले को हम लोग तनामी डेजर्ट बोल देते हैं. देन इसके नीचे जो है आपको सिम्पसन डेजर्ट आपको देखने को मिलता है, सिम्पसन डेजर्ट है. देन इसके साथ में आपको स्टूअर्ट स्टोनी डेजर्ट देखने को मिलता है आपको. देन ये सारे जो है आपके मतलब बेसिकली यू विल फाइंड डेजर्ट्स जो कि यहाँ पे हैं. ठीक है, तो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डेजर्ट्स यू विल फाइंड एंड मोस्ट ऑफ वेस्ट ऑस्ट्रेलियन रीजन इज डेजर्ट. इसको हम लोग जो है यहाँ पे वी नो इट बाय द नेम ऑफ आउटबैक ऑल्सो. ठीक है जी, वेरी वेरी यू कैन से इनहॉस्पिटेबल रीजन ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, आप यहाँ पे बता सकते हो कि भाई जो आउटबैक है यहाँ पे कौन सी एबोरिजिनल ट्राइब देखने को मिलती है, एबोरिजिनल पीपल जो है देखने को मिलते हैं, ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि कौन से मिलते हैं. ओके, नाउ एज फार एज रिवर्स आर कंसर्न, ठीक है, अगर रिवर्स की बात करूँ तो मोस्ट ऑफ यहाँ पे जो रिवर्स मिलती हैं वो सीजनल रिवर्स देखने को मिलती हैं. मोस्ट ऑफ देम आर सीजनल रिवर्स एंड वेरी फ्यू आर लाइक आपको परमानेंट इंपॉर्टेंट रिवर देखने को मिलेगी. वन ऑफ द रिवर्स जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, दिस रिवर ऑफ मुरे डार्लिंग सिस्टम. ठीक है जी, ये रिवर आपको देखने में मिलती है, दिस इज मुरे डार्लिंग सिस्टम. ठीक है, ऊपर से निकलती है, दिस इज डार्लिंग रिवर, ये आपको ग्रेट डिवाइडिंग लाइन से निकल रही है एंड मुरे रिवर. सो ये मुरे एंड डार्लिंग रिवर ये मिलके आपको जो है मुरे डार्लिंग सिस्टम बनाती है, विच इज़ दी लार्जेस्ट रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ठीक है जी, ये ड्रेन कहाँ पे कर रही है, ड्रेन जो है ये आपकी यू विल फाइंड दिस इज इन सेंट विंसेंट गल्फ. ठीक है, सेंट विंसेंट गल्फ इज हियर, सेंट विंसेंट गल्फ में ड्रेन करती है. ओके, और ये जो है मुरे रिवर ये बेसिकली न्यू साउथ वेल्स एंड आपका विक्टोरिया जो टेरिटरी है या फिर इनके जो स्टेट हैं उनको डिवाइड भी करती है. ठीक है, सो दिस इज़ वन रिवर. इसके अलावा अनदर इंपॉर्टेंट रिवर लाइक देयर नो, जैसे मैंने बताया कि मतलब यहाँ पे कोई परमानेंट रिवर्स नहीं देखने को मिलती, सीजनल रिवर्स बहुत सारे हैं. जैसे यहाँ पे एक सीजनल रिवर सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, दिस इज़ ऑल्सो एन इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है. ठीक है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सीजनल स्ट्रीम्स यहाँ पे अपीयर करते हैं, जैसे कि आपकी जॉर्जीना है, डायमंडीना है, कॉपर क्रीक है, इस तरह की लोकल स्ट्रीम्स बनती हैं और ये जो है क्या करती है एक लेक के अंदर जाकर ड्रेन करती है, दिस इज लेक आयर. ठीक है जी, लेक आयर एंड दिस इज ऑल्सो द लोएस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो लेक आयर. सो ये जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एन इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम एंड इसको हम लोग एंडोरिक सिस्टम भी बोल देते हैं. ठीक है जी, एंडोरिक सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है. इसके अलावा छोटी सी रिवर जो है यहाँ पे आपको पर्थ सिटी में ड्रेन करती है, पर्थ सिटी जो इसके जिसके किनारे बसी हुई है, दिस इज स्वान रिवर. ठीक है, तो कई बार ट्रिविया में पूछ लेते हैं कि भाई रिवर दे देते हैं, सिटी दे देते हैं, तो स्वान रिवर जो है इट इज़ नोन फॉर पर्थ. ठीक है कि नहीं, सो ये आपके कुछ रिवर्स हैं एज फार एज रिवर्स आर कंसर्न. आई थिंक इतने ही रिवर्स हैं, इसके अलावा देर आर नॉट मैनी इंपॉर्टेंट रिवर्स जो यहाँ पे देखने को मिलेंगी आपको. सो दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया एज फार एज दी इंपॉर्टेंट लेक्स आर कंसर्न. सो एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेक आपको देखने को मिलता है, दिस इज लेक टॉरेंस. टॉरेंस लेक देखने में मिल जाती है. सो बेसिकली दिस इज़ अ सॉल्ट लेक यहाँ पे. सिमिलरली मैंने लेक आयर आपको बताई यहाँ पे देखने में मिलती है. देन इसके अलावा छोटी मोटी लेक जो है बहुत सारी देखने में मिलती है ऑस्ट्रेलिया में, विच आर नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. ठीक है जी, सो ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया है. ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में आइडिया लगा होगा. इंपॉर्टेंट एरियाज़, इंपॉर्टेंट रीजन जहाँ से हम लोग माइंस कर रहे हैं, मिनरल्स निकाल रहे हैं, ऑल ऑफ दीज आर आई होप आई हैव बेसिकली गिविंग यू द इंफॉर्मेशन ऑफ. सो गाइज दैट वॉज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. थैंक यू वेरी मच. आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर सेशन. अगली बारी मिलते हैं, विल बी टॉकिंग अबाउट एशिया. टिल नेक्स्ट टाइम गाइज, बाय बाय.